कभी शौतन कभी सहेली ऐसा ही किरदार है टीवी सीरियल अनुपमा की काव्या का। टीवी सीरियल में यह कैरेक्टर निभा रही है एक्ट्रेस मदालसा शर्मा चक्रवर्ती। टीवी इंडस्ट्री में यह इनका डेब्यू है। हैरानी की बात तो यह है कि अनुपमा टीवी सीरियल को आती हुई मानो अभी 2 साल ही हुए हैं और इतने कम समय में यह टेलीविजन सीरियल सबका चहेता बन चुका है और साथ ही इस सीरियल की काव्या को भी लोग काफी पसंद करने लगे हैं। बेशक मदालसा का यह पहला टीवी सीरियल है मगर उनकी लाजवाब एक्टिंग ने सभी का दिल जीत ही लिया है। यह टेलीविजन सीरियल से पहले कई सारे हिंदी फिल्म और साउथ फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो मानो ये एक पॉपुलर एक्ट्रेस है जहाँ पर सभी इनके चर्चे करते रहते हैं। वैसे तो मदालसा से जुड़ी फैक्ट्स खत्म ही नहीं होते हैं, तो चलिए आज हम आपको अनुपमा की काव्या यानी कि मदालसा शर्मा चक्रवर्ती के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिससे शायद अभी तक आप अनजान हो। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मदालसा का जन्म 26 सितंबर 1991 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी माँ शीला शर्मा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। इनके फादर सुभाष शर्मा भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। माँ और पिता के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण मदालसा ने बचपन से ही घर में फिल्मी माहौल देखा। मार्बल आर्ट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मदालसा ने मिठीबाई कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया मगर पढ़ाई में मदालसा का ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की और गणेश आचार्य और श्याम डाइवर से डांस भी सीखी। साल 2009 में उन्होंने पहली तेलुगु फिल्म फाइटिंग मास्टर में काम किया। इसके बाद मदालसा को कई साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्मों में काम करने का मौका मिला मगर हिंदी सिनेमा में वह अपने कदम नहीं जमा पाई। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम समय में मदालसा सुपरस्टार बन चुकी है लेकिन उनकी हिंदी फिल्में ना तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल दिखा सकी और ना ही उनके करियर के लिए कुछ खास साबित हो सकी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इनके फिल्मों से टीवी सीरियल तक का सफर के बारे में। टीवी सीरियल अनुपमा में काव्या का किरदार पहले किसी और एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने किसी रीजन की वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इस रोल के लिए मदालसा को ऑफर किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने के बारे में अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ से पूछा, जिसके बाद उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि मुझे ये शो कर लेना चाहिए। इस शो के बारे में मदालसा ने बात करते हुए कहा, इस शो को मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया जिसके बाद मुझे इसका कैरेक्टर सुनकर और भी मज़ा आ गया। यह बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, इसे करने में और भी मुझे बेहद मज़ा भी आ रहा है। मायके और ससुराल में बड़े बड़े सितारों के बीच रहने वाली मदालसा हुनरमंद होने के साथ ही साथ डाउन टू अर्थ है। टीवी सीरियल अनुपमा में उन्हें नेगेटिव दिखाया जा रहा है मगर असल जिंदगी में मदालसा बेहद हंसमुख और काफी अच्छी इंसान है। मदालसा को असली पहचान भी मिली सीरियल अनुपमा में काम करने के बाद ही। इस सीरियल में काम करने के बाद मानो इनके रियल नाम से ज्यादा इन्हें लोग काव्या के नाम से जानते हैं। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी तो मदालसा मैरिड हैं। इन्होंने साल 2018 में एक्टर मीमो चक्रवर्ती से शादी कर ली थी। फिल्मों में काम करने के दौरान ही मदालसा की मुलाकात मीमो से हुई थी, जिसके बाद कुछ सालों तक डेट करने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। वहीं आपको बता दें इनके हस्बैंड मीमो बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और एक्ट्रेस योगिता वाली के बेटे हैं। इस तरह से ही मदालसा मिथुन चक्रवर्ती की बहू हुई। सो फ्रेंड्स, ये थी मदालसा की लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।